सबसे पहले बात ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी शंका आशंका और दावों की। क्या देश में बढ़ने लगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के बाद अब कहां पर हुई ओमिक्रॉन की एंट्री? क्या थर्ड वेव के खतरे में है कंट्री? और क्या बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट? अफ्रीकी वेरिएंट से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखें न्यूज़ टॉप 9 ओमिक्रॉन संकट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 मामले सामने आए हैं, जिसे अब महाराष्ट्र में 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के एक मरीज की पुष्टि हुई है। जिस शख्स में पुष्टि हुई है वो तंजानिया से दिल्ली आया था। देश के 4 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 मरीज अब तक मिल चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 8 मरीज हैं, कर्नाटक में 2 मरीज मिले हैं, वहीं गुजरात और दिल्ली में 1-1 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर केंद्र सरकार और भी अलर्ट हो गई है। कोरोना के साथ अफ्रीकन वेरिएंट ओमिक्रॉन ने 39 देशों में पैर पसार लिए हैं। सख्त प्रतिबंधों और जांच पड़ताल के बावजूद भी दुनिया के अलग अलग देशों में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या 789 तक पहुंच गई है। तेजी से फैल रहा नया वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में एक इंटरनल सर्कुलर जारी कर नए वेरिएंट से निपटने के लिए मरीज और उनके तमीदारों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। कोविड टास्क फोर्स को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है, साथ ही कई तरह की कमेटियां भी बनाई जा रही हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ता संक्रमण देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक माना जा रहा है। IIT कानपुर का दावा है कि देश में जनवरी तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और फरवरी में 1.5 लाख रोजाना केस के साथ महामारी पीक पर पहुंच जाएगी। देश के 4 प्रदेशों में मिले ओमिक्रॉन मरीज के बाद केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में वैक्सीनेशन को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के हेल्थ डायरेक्टोरेट की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि अगर लोगों ने नियम का पालन नहीं किया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया था वो लोग अब भारी संख्या में सेंटर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में मॉल, सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए टीके की दोनों खुराकें अनिवार्य की गई हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 3 नए मरीज मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 8 हो गई है। न्यूयॉर्क के साथ साथ मैक्सिको और कनाडा में भी ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके हैं। बाइडेन प्रशासन ने नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर सख्त प्रतिबंध लागू कर रखे हैं। साउथ अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। जानकारी के मुताबिक साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन से संक्रमित 10% से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।